अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नोमाना लोधी विद लेक्चर नंबर 6। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉवेल स्टार्ट किया था और उसका 1.5 पेज हो गया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे के हमने फिनिश किया था। तो ये आपके नॉवेल का सेकेंड पेज है और मिड से पढ़ना है आज। दे सेट ऑन द टेरेस एंड मैनी ऑफ द फिशरमैन मेड फन ऑफ द ओल्ड मैन एंड ही वॉज नॉट एंग्री। और वो दोनों जो हैं वो चबूतरे पे बैठ के, टेरेस का मैंने आपको मीनिंग बताया था, रेस प्लेटफॉर्म को कहते हैं बुलंद जगह पे। प्रीवियस लेक्चर में ये था कि बूढ़ा और वो लड़का जो है वो चबूतरे पे जाने का सोच रहे थे, तो अब वो आ गए थे वहाँ, बैठ गए और बहुत से वहाँ पे जो माहीगीर बैठे हुए थे उन्होंने बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाया। क्यों मजाक उड़ाया? क्योंकि वो आज भी बिग फिश पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। एंड ही वॉज नॉट एंग्री, लेकिन वो नाराज़ नहीं था, यानी सैंटियागो ने इस बात को माइंड नहीं किया। अदर्स ऑफ दी ओल्डर फिशरमैन लुक्ड एट हिम एंड वर सैड, दूसरे जो बूढ़े माहीगीर थे उन्होंने उसकी तरफ देखा और वो बहुत उदास हुए। बट दे डिड नॉट शो इट एंड दे स्पोक पोलाइटली अबाउट द करंट एंड द डेप्थ दे हैड ड्रिफ्टेड देयर लाइन्स एट एंड द स्टडी गुड वेदर एंड ऑफ व्हाट दे हैड सीन। लेकिन वो इधर उधर की बातें करते रहे और वो बहुत शाइस्तगी से उन्होंने बात की। और उन्होंने किस बारे में बातें की उस रोज़? लहरों के बारे में, मौजों के बारे में, पानी के बारे में, और जहाँ पे उन्होंने अपनी डोरियाँ जिस जगह पे डाली थी पानी में उसके बारे में, और बहुत अच्छे मौसम के बारे में, और वो सारी बातें जो कुछ, और वो सब कुछ जो उन्होंने देखा था वहाँ पर उसकी बातें की। द सक्सेसफुल फिशरमैन ऑफ दैट डे वर ऑलरेडी इन एंड हैड बुचर्ड देयर मार्लिन कट एंड कैरिड देम लेड फुल लेंथ अक्रॉस टू प्लैंक्स विद टू मैन स्टैगरिंग एट द एंड ऑफ ईच प्लैंक टू द फिश हाउस वेयर दे वेटेड फॉर द आइस ट्रक टू कैरी देम टू द मार्केट इन हवाना। और जो उस रोज़ के कामयाब माहीगीर थे, सक्सेसफुल कामयाब और फिशरमैन माहीगीर, वो कौन थे जो कि बिग फिश पकड़ के लाए थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आके अपनी जो बिग मार्लिन पकड़ी हुई थी उसको उन्होंने बुचट कर लिया था। बुचट का मतलब होता है ज़िबा कर देना, मार देना। और फिर उन्होंने उसकी पूरी की पूरी फिश जो थी, फुल लेंथ का मतलब होता है पूरी लंबाई, उसके साथ उन्होंने अक्रॉस टू प्लैंक्स और उसको बड़े तख्तों के ऊपर जो है वो डाल दिया था। और दो आदमी जो थे एंड द टू मैन स्टैगरिंग का मतलब होता है घसीट के लाना, ड्रैग करके लाना, एट द एंड ऑफ ईच प्लैंक, हर तख्ते की तरफ वो उसे घसीट के ला रहे थे टू द फिश हाउस। और उन्होंने उसे कहाँ लेके जाना था? मछली मार्केट में लेके जाना था, मछली घर में, वेयर दे वेटेड फॉर द आइस ट्रक टू कैरी देम टू द मार्केट इन हवाना, जहाँ पे के वो उन्होंने बर्फ़ के ट्रक का इंतज़ार करना था ताकि वो उस मछली को हवाना की मार्केट या मंडी तक ले जाए। दोज हु हैड कॉट शार्क्स हैड टेकन देम टू द शार्क फैक्ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द कोव वेयर दे वर हॉइस्टेड ऑन अ ब्लॉक एंड टैकल देयर लिवर्स रिमूव देयर फिन्स कट ऑफ एंड देयर हाइड्स स्किन्ड आउट एंड देयर फ्लैश कट इंटू स्ट्रिप्स फॉर सॉल्टिंग। और कुछ उस रोज़ के फिशरमैन वो भी थे जो कि शार्क पकड़ के लाए थे, ये भी फिश की एक टाइप है, और उन्होंने उसको उसके साथ क्या करना था? अब उन्होंने उसको खलीज की दूसरी साइड पे शार्क फैक्ट्री बनी हुई थी, उन्होंने उसको वहाँ लेके जाना था। और वो उन्होंने उसको एक ब्लॉक के ऊपर जो है वो डाल दिया था और उसको अब वो टैकल कर रहे थे, उससे निबट रहे थे, मैनेज कर रहे थे, क्या कर रहे थे उसके साथ, शार्क्स के साथ, उनके शार्क मछलियों के उन्होंने जो जिगर थे उनको लहदा कर दिया था, रिमूव कर दिया था, और उनके जो ऊपर वाली स्किन पर वगैरह उसको काट दिया था, और बाकी की उसकी जो हाइट्स थी, खाल वगैरह उसको भी स्किन आउट कर दिया था, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर से खाल उतार दी थी, और उन शार्क्स की फ्लैश जो थी, यानी जो मीट था उसका, गोश्त जो था, उसको उन्होंने अब स्ट्रिप्स की शक्ल में काट दिया था,
स्ट्रिप्स क्या होता है, स्ट्रिप्स कहते हैं पीसीज को, उसके पीस कर लिए थे और उनको, उन पीसीज को उन्होंने सॉल्ट जो है वो लगा देना था। तो उनको नमक लगाने के लिए रख दिया था। When the wind was in east, a smell came across the harbor from the shark factory. But today there was only the faint edge of the odor because the wind had backed into the north and then dropped off, and it was pleasant and sunny on the terrace. जी, अब हवा जो है वो कैसी चल रही थी उस वक्त? हवा जो है वो शुमाल की तरफ से आ रही थी और बहुत ही स्मेल आ रही थी उसमें, यानी वो जो हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, बंदरगाह से हवा शुमाल की तरफ जब चलती थी तो एक बदबू सी आती थी फिश की, और वो कहाँ से आ रही थी स्मेल? वो शार्क फैक्ट्री से आ रही थी। लेकिन आज ऐसा था, अक्सर ऐसा होता था, लेकिन आज ऐसा था कि जो ऑडवर थी, जो स्मेल थी, वो फेंट एज का मतलब है बहुत ही कम, हल्की सी थी, क्योंकि विंड जो है, बिकॉज द विंड हैड बैक इन टू द नॉर्थ, क्योंकि हवा जो है वो शुमाल के रुख पे चल रही थी, एंड देन ड्रॉप्ड ऑफ एंड इट वॉज प्लेजेंट एंड सनी ऑन द टेरिस, और वहाँ पे आके रुक जाती थी। और फिर आज मौसम कैसा था टेरिस पे? बहुत ही प्लेजेंट था, खुशगवार था, नाइस डे था और सनी था। सनी यानी फुल सनलाइट थी वहाँ पे, अच्छी चमकीली धूप थी। सैंटियागो द बॉय सेड, यस द ओल्ड मैन सेड, ही वॉज होल्डिंग हिज ग्लास एंड थिंकिंग ऑफ मैनी ईयर्स अगो। लड़के ने बूढ़े को पुकारा उसके नाम से, सैंटियागो कहा, और बूढ़े ने उसको जवाब दिया, रिप्लाई किया। और वो उस वक्त बूढ़ा क्या कर रहा था, उसने अपने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था और वो बहुत साल पहले की अपनी किसी सोच में गर्क था। कैन आई गो आउट टू गेट सार्डिन्स फॉर यू फॉर टुमारो, क्या मैं कल के लिए आपके लिए सार्डिन्स फिश ले आऊँ? सार्डिन्स क्या थी? ये स्मॉल फिश थी जो कि बड़ी मछलियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होती थी, और वहाँ के फिशरमैन जो थे इसको अपनी फिशिंग करते हुए वो उसको अपने लगा देते थे बेटिंग फिश के तौर पे। बेटिंग फिश यानी वो मछलियाँ जो कि फंसने वाली थी बड़ी मछलियों को, वो अट्रैक्ट होके खाने के लिए आएँ और फिर वो फंस जाए जाल में। नो, गो एंड प्ले बेसबॉल, आई कैन स्टिल रो एंड रोगेलियो विल थ्रो द नेट, नहीं तुम जाके बेसबॉल खेलो और मैं अभी भी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं रोइंग कर सकता हूँ, यानी रोइंग करना बोटिंग करना, मैं कश्ती चला सकता हूँ, और मैं रोगेलियो से कहूँगा और वो मेरे लिए जाल फेंक देगा। रोगेलियो जो है ये, दिस इज़ द नेम ऑफ सम फिशरमैन। आई वुड लाइक टू गो इफ़ आई कैनॉट फिश विद यू, आई वुड लाइक टू सर्व इन सम वे, मैं आपके साथ जाना पसंद करूंगा, अगर मैं आपके साथ फ़िशिंग के लिए, माहीगिरी के लिए नहीं जा सकता तो कम से कम मैं किसी तरह तो खिदमत कर सकता हूं। ये किसका जवाब था? ये उस बॉय का, मैनोलिन का आंसर था। यू बॉट मी अ बियर, द ओल्ड मैन सेड, यू आर ऑलरेडी अ मैन, तुमने पहले ही मेरे लिए शराब खरीदी है और तुम पहले ही एक बहुत ही समझदार और मैच्योर इंसान हो। How old was I when you first took me in a boat? मेरी कितनी उम्र थी जब तुम मुझे पहली दफ़ा कश्ती में लेके गए थे? 5 and you nearly were killed when I brought the fish into green and he nearly tore the boat to pieces. Can you remember? 5 का मतलब 5 साल के लड़का उस वक्त 5 years old था। और वो कहते हैं तुम तो तकरीबन मरने ही वाले थे जब मैं अपनी फ़िश को सब्ज़े में, हरियाली में लेके आया, ग्रीनरी में लाया, बाहर लाया, और वो इतना छोटा था कि वो शायद डर गया था, और वो फ़िश तो तकरीबन ऐसा करने लगी थी कि जैसे वो मेरी बोट को टुकड़ों में तोड़ देंगी। टोर का मतलब होता है ब्रोक करना, तोड़ देना। और फिर उसके बाद ओल्ड मैन पूछता है, कैन यू रिमेम्बर, क्या तुम ये बातें याद कर सकते हो?
आई कैन रिमेंबर द टेल स्लैपिंग एंड बैंगिंग एंड द थॉट ब्रेकिंग एंड द नॉइज ऑफ द क्लबिंग. अब इस पैराग्राफ में बॉय बता रहा है कि किस तरह वो ये सारी बातें याद कर सकता है, कि वो उसे वो 5 साल का था लेकिन स्टिल ही रिमेंबर्स ऑल दोज थिंग्स. कि वो कहता है मुझे अभी भी याद है कि मैंने जो फिश की टेल थी, जो उसकी दुम थी, उसको मैं स्लैपिंग करते हुए चलना, ज़ोर ज़ोर से मूव करना एंड बैंगिंग, और वो मार रही थी अपनी दुम को, टेल को, एंड द थ्वाट, थ्वाट कहते हैं बोट को, ब्रेकिंग एंड द नॉइज़ ऑफ द क्लबिंग, कि जैसे वो कश्ती को तोड़ ही दिया था उसने और फिर मुझे नॉइज़ आ रही थी, शोर सुनाई दे रहा था ऑफ क्लबिंग, ज़ोर ज़ोर से उसको पीटने का. I can remember you throwing me into the bow where the wet coiled lines were and feeling the whole boat shiver. हाँ, वो कहते हैं मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे एक तरफ कश्ती के फेंक ही दिया था ज़ोर से, और फिर मैंने कहाँ गिरा था, गीले वो जो उन्होंने गोले बना के रखे होते डोरियों के गोले, उनके ऊपर जाके गिरा था, और फिर मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे पूरी की पूरी बोट जो है वो जैसे हिल रही हो, ज़ोर से कांप रही हो, शिवर करना, ट्रेम्बल करना, मूव करना. एंड द नॉइज़ ऑफ यू क्लबिंग हिम लाइक चॉपिंग अ ट्री डाउन एंड द स्वीट ब्लड स्मेल ऑल ओवर मी. और फिर मुझे ये भी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि आप ज़ोर ज़ोर से उसको फिश को मार रहे थे, क्लबिंग करना, मारना, और उसके बाद जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे आप इस तरह मार रहे थे जैसे एक दरख्त को जो है वो चॉप किया जाता है, उसको ज़ोर से काटा जाता है पीसेस में, और फिर हर तरफ जो है वो बहुत ही अच्छी स्मेल जो है वो फैली हुई थी फिश के ब्लड की. कैन यू रियली रिमेंबर दैट और डिड आई जस्ट टेल इट टू यू. अब ये ओल्ड मैन उससे पूछ रहा है क्या तुम्हें ये बातें वाकई तब से याद हैं या मैंने ही तुम्हें बाद में कभी बताई थी. आई रिमेंबर एवरी थिंग फ्रॉम वेन वी फर्स्ट वेन टूगेदर. मुझे उस दिन से हर बात याद है जबकि हम इकट्ठे गए थे. तो दिस शोज द लव एंड अटैचमेंट बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द बॉय मैनोलिन. इस सेंटेंस को अंडरलाइन कीजिए. The old man looked at him with his sunburned, confident, loving eyes. इसको भी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और अपनी sunburned का मतलब होता है धूप से झुलसी हुई, confident, पूरी पूरे एतमाद, loving eyes, मोहब्बत भरी निगाहों से. यानी जितनी मोहब्बत लड़के को थी उतनी ही ओल्ड मैन को भी उससे थी. आगे नेक्स्ट लास्ट लाइन्स हैं इस पेज की. If you were my boy, I would take you out and gamble, he said. But you are your father's and your mother's and you are in a lucky boat. अब वो यहाँ पे उसकी विश है, ये ख्वाहिश कर रहा है, इफ से शुरू हो रही है कि आकाश अगर तुम मेरे लड़के होते, मेरे बेटे होते, तो मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ बाहर लेके जाता हूँ, बल्कि मैं तुम पे जो है वो गैम्बलिंग भी कर सकता था, यानी तुम्हारे पे जुआ भी खेल सकता हूँ, तुम इतने लकी हो, उसने कहा, यानी बूढ़े आदमी ने, ओल्ड मैन ने कहा. लेकिन चूंकि तुम अपने पेरेंट्स की औलाद हो, मेरे बेटे नहीं हो, और फिर दूसरी रीज़न ये है कि तुम एक खुशकिस्मत लकी बोट में हो जो कि बिग फिश पकड़ के ला रही है. ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ओल्ड मैन जो है वो उस लड़के को अपने साथ बोटिंग के लिए नहीं ले जा सकता. तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट 3 पेजेस नावल के फिनिश होते हैं. तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आप इस लेक्चर्स को सुने और अपनी बुक्स ले लें, नॉवेल्स ले लें, ओरिजिनल टेक्स्ट, और उसको आप गो थ्रू करें. इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू. अल्लाह हाफिज़.